Hello dear students, beta, this is our revision video and we'll revise 15th chapter. The name of the chapter is Framing the Constitution, the beginning of a new era. Framing the Constitution, firstly we have to know what is Constitution. Constitution is a set of rules and laws. हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके रूल्स और लॉज होते हैं और उन रूल्स और लॉज को हर एक सिटीजन को फॉलो करना होता है. ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, और क्यों जो है ये टाइम पीरियड हमारे लिए एक नए एरा, नए युग की बिगनिंग थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया और ये जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर हमें किसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है तो उसे जो है हमारी कंट्री के साइज़ और डाइवर्सिटी को भी समझना होगा, क्योंकि हमारी कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा है और डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के कास्ट, क्रीड और रिलीजियस के लोग रहते हैं. जब कोई इंडिविजुअल हमारी कंट्री के साइज़ और डाइवर्सिटी को समझ जाता है तो उसको बड़ा ईजिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाती है. ओके, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी कंट्री एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री ही नहीं थी बल्कि ये डिवाइडेड भी थी. टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था, पाकिस्तान एंड इंडिया. सो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से फ्रेम किया जाना था कि ये हमारी कंट्री को टुगेदर करे, इकट्ठा करे और किस तरह से हम जो है आगे मूव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की जाए. इसीलिए इसके फ्रेमवर्क को बड़ा ही केयरफुली किया गया था. इसने हमारे लिए टू वर्क्स किए. एक तो जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट के वुंड्स थे उन्हें हील किया. किस तरह से? पास्ट में हमारे वुंड्स थे कि हम जो हैं ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थे और प्रेजेंट में हमारे वुंड्स क्या थे कि इस टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों ही मुस्लिम्स और हिंदूस एक दूसरे को मार रहे थे. सो ये हमारी कंट्री में प्रेजेंट के वुंड्स थे. हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ने पास्ट और प्रेजेंट दोनों के वुंड्स को ही हील किया. दूसरा जो है हमारा जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था उसको शेयर किया, उसको एक सांचे में भी ढाला. ठीक है, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक बनाया. एग्जैक्ट डेट थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी और 26 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने के बाद इस असेंबली के सभी मेंबर्स ने इसको साइन कर दिया था. सो 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज का टाइम पीरियड लगा था. नियर अबाउट 3 ईयर्स का टाइम पीरियड हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में लगा था. ओके, अब असेंबली में वो सभी लीडर्स थे जो कि उस टाइम पीरियड पर प्रोविजनल लेजिस्लेचर, प्रोविजनल के इलेक्टोरेट थे, उन्हीं मेंबर्स को जो है असेंबली में रखा गया था. असेंबली की 165 मीटिंग्स हुई थी, 11 सेशंस हुए थे और बहुत सारे वर्क्स को रिवाइज और रिफाइन किया गया था. बार बार कमेटीज़ और सब कमेटीज़ द्वारा बार बार वर्क को चेक किया जा रहा था. अगर उसके अंदर कोई कमी होती थी तो उसको रिवाइज और रिफाइन भी किया जाता था. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज आर ट्यूमल्टेरियस टाइम. वो टाइम पीरियड हमारे लिए एक ट्यूमल्टेरियस टाइम पीरियड था. ट्यूमल्टेरियस टाइम पीरियड मतलब जहाँ पर कुछ भी सही नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है. क्यों हमारे लिए वो एक ट्यूमल्टेरियस टाइम पीरियड था? क्योंकि उस टाइम पीरियड पर हमें आज़ादी तो मिल गई थी. 15 अगस्त 1947 को हम फ्री हो गए थे, लेकिन फ्री होने के साथ साथ हम डिवाइड भी हो गए थे. डिवाइड के साथ साथ हमारी कंट्री में जो हिंदू और मुस्लिम्स थे वो एक दूसरे को मार रहे थे. हर तरफ जो है ब्लडी रियॉट्स हो रहे थे. ओके, सो इसीलिए ये हमारे लिए ट्यूमल्टेरियस टाइम पीरियड था. हालांकि हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 1942 का जो क्विट इंडिया स्ट्रगल हुआ था वो अभी तक भी लोगों की मेमोरी में था, क्योंकि उस स्ट्रगल में लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. थाउजेंड्स ऑफ लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, मार दिया गया था. सो वो जो सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड पर हुई थी वो चीज़ें अभी तक भी लोगों के माइंड में थी. सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ आम स्ट्रगल किए थे उन चीज़ों को भी नहीं अभी तक लोग भूले थे. ओके, और इंडियन नेवी के साथ जो भी कुछ हुआ था 1946 में वो सारी चीज़ें भी नहीं भूले थे. मीन्स अभी तक भी जो लोगों के माइंड थे उनके माइंड्स में पुरानी बातें अभी तक भी घूम रही थी. वो इन चीज़ों से डर रहे थे. और इसके साथ साथ एक और काम हो गया कि 1946 में हमारी कंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था और बहुत सारे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना शुरू कर दिया था. ठीक है,
जो हिंदू और सिख थे पाकिस्तान के एरिया में रहने वाले, वो इंडिया की तरफ आना उन्होंने शुरू कर दिया, और इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू कर दिया। और मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज ने मूव किया, और बहुत सारे रिफ्यूजीज तो ऐसे थे जो अपनी डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, वो रास्ते में ही पैरिश्ड कर दिए गए थे, मर गए थे। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने इस टाइम पीरियड पर आ रही थी, वो ये थी कि हमारी कंट्री छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। उस टाइम पीरियड पर नियर अबाउट 564 प्रिंसली स्टेट्स हमारी कंट्री में थे, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके जो लीडर होते थे वो थे जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, नवाब, राजा। और इन लोगों का यही मानना था कि जिस तरह से वो फ्रीडम से पहले अपना रूल कर रहे थे, सेम वो जो है अब फ्रीडम के बाद भी करेंगे। लेकिन जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जा रहा था, तो हमारी कंट्री को एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में फॉर्म किया जा रहा था। अब जब एक यूनाइटेड कंट्री है, तो किस तरह से हमारी कंट्री के पार्ट्स को अलग अलग बटा रहने दिया जाए? इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करना भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, उसको किस तरह से फॉर्म किया गया था? एक्चुअली जो मेंबर्स थे उनके लिए कोई अलग से इलेक्शंस नहीं हुए थे, कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेस पर ये नहीं हुआ था। 1945 और 46 में हमारे कंट्री में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस हुए थे, और उस टाइम पर जितने भी इलेक्टोरेट्स वहाँ पर थे उन्हीं को असेंबली के लीडर के रूप में, मेंबर के रूप में चूज़ किया गया था। इस टाइम पीरियड पर हमारी असेंबली को एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी, वो थी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी क्यों डोमिनेट कर रही थी? क्योंकि 1945 और 46 में जो इलेक्शंस हुए थे वो 11 प्रोविंसेस में हुए थे। 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस को ही जीत मिली थी, 3 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग को जीत मिली थी। तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत कम होने की वजह से उन्हें यह भी लग रहा था कि असेंबली में उनकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुन रहा है। स्टार्टिंग में असेंबली में मेंबर थे 398 में से कुछ टाइम बाद जो है मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने असेंबली को लीव कर दिया था, यही सोच समझकर कि यहाँ पर हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा क्योंकि ज़्यादा मेंबर यहाँ पर किसके हैं, कांग्रेस के ही। इसके बाद जो है टोटल यहाँ पर 299 मेंबर्स रह गए थे, 99 मेंबर्स ने असेंबली को छोड़ दिया था। 82% जो मेंबर्स थे अभी भी वो कौन थे, कांग्रेस के ही मेंबर थे, और कांग्रेस पार्टी ही असेंबली को डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, इस तरह से असेंबली को डोमिनेट किया गया था, असेंबली को फॉर्म किया गया था, असेंबली को बनाया गया था। और असेंबली को जब बनाया गया था तो उसमें यही ध्यान रखा गया था कि ये सभी लोग जो हैं आपस में किस चीज़ पर डिस्कस और डिबेट करेंगे, जो हमारी कंट्री में पास्ट में हुआ है या फिर जो हमारी कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन है उसी को डिबेट किया जाएगा। पब्लिकली भी डिबेट किया जाता था क्योंकि असेंबली में जो कुछ भी होता था उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया जाता था। न्यूज़पेपर में प्रिंट होने के बाद लोग जो है उसके ऊपर अपने व्यूज़ देते थे और वो व्यूज़ असेंबली तक आते थे, उन व्यूज़ को भी यहाँ पर डिबेट किया जाता था। इसीलिए हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि बार बार इसको रिवाइज और रिफाइन किया गया, यही रीज़न था उसको बार बार रिवाइज और रिफाइन करने का, क्योंकि पब्लिक्स के व्यू कुछ आते थे, असेंबली में कुछ डिसाइड होता था, पब्लिक के व्यू कुछ आते थे, तो पब्लिक के व्यूज़ को यहाँ पर डिबेट किया जाता था। अगर वो सही लगते थे तो फिर से उस लॉ में क्या कर दिया जाता था, उसको रिफाइन कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है द डोमिनेटेड वॉइसेस। हालांकि जो भी मतलब ये असेंबली थी उसमें 299 मेंबर्स थे, लेकिन इनमें से जो 6 मेंबर्स थे उनकी मेन आवाजें थी, मेन वॉइसेस थी, और वो कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये 6 डोमिनेटेड आवाजें थी। इनमें से जवाहरलाल नेहरू का जो मेन रोल था वो ये था कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रेजोल्यूशन पेश किया था सबके सामने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फॉर्म करना है, किन किन चीज़ों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, वही सारी बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी कंट्री के जो फ्लैग है उसको भी डिज़ाइन किया था। उन्होंने बताया कि हमारा फ्लैग ट्राइकलर का होना चाहिए, उसमें ऊपर सैफ्रन, फिर वाइट और फिर जो है ग्रीन कलर होना चाहिए, और जो वाइट कलर है उसके बीच में एक व्हील होना चाहिए, व्हील में 24 पत्तियां होनी चाहिए जो कि 24 आवर्स को शो करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें किसने बताई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई थी।
पटेल का क्या काम, वल्लभ भाई पटेल का क्या काम होता था, वो मेनली जो है बिहाइंड द कर्टन काम करते थे। जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी उन सबको इकट्ठा करते थे, लिखते थे, उनके बीच में विचार विमर्श करते थे और जिस भी रिपोर्ट पर अग्रीमेंट होता था उस रिपोर्ट को फाइनल वो तैयार करते थे। ये पटेल जी का काम था। राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ के प्रेसिडेंट थे और वो ये इंश्योर करते थे कि हर एक मेंबर को स्पीक टू चांस, बोलने का मौका दिया जाए, ये इंश्योर करना किसका, राजेंद्र जी का ही काम था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर असेंबली में बी आर अंबेडकर भी एक मेन मेंबर के रूप में वर्क कर रहे थे। हालांकि जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पर उन्होंने एक अलग से पॉलिटिकल इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी, लेकिन गांधी जी की एडवाइस पर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और अब वो यहाँ पर एज ए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वर्क कर रहे थे। इसके साथ साथ उनके टू फ्रेंड्स थे, एक थे गुजरात से लॉयर के एम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। तो ये सिक्स मेंबर्स थे जिन्होंने असेंबली में मेन वर्क किया था। इसके साथ साथ एक और पर्सन थे बी एन राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के क्या थे, एडवाइजर थे। इन्होंने क्या किया था, सभी कंट्रीज के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन सबको रीड आउट किया, उनके अंदर जितनी भी अच्छी बातें थी उनकी एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि भाई हाँ, हमारी कंट्री में कौन सी बातों को लागू किया जा सकता है या हमारी कंट्री के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम किन बातों को यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की गई थी। नेक्स्ट वन इज़ द विज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न क्या होगा, उसका क्या दृष्टि, क्या लक्ष्य होगा। 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब इंट्रोड्यूस किया गया नेहरू जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगी जहाँ पर सभी सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वेलिटी और फ्रीडम की गारंटी दी जाएगी और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एडुकेट सेफगार्ड दिए जाएंगे, बैकवर्ड्स और ट्राइबल एरियाज़ और डिप्रेस्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए भी, उनके भी राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा, सभी सिटीजन्स के अगले इक्वल राइट्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं विज़न में कही गई थी। वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, हम सिर्फ कॉपी करने नहीं जा रहे हैं। बी आर राव ने क्या किया था, सभी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को इकट्ठा किया था और उनमें जो है जो भी अच्छी चीज़ें थी उनकी रिपोर्ट तैयार की थी, अभी हमने रीड आउट किया। सो नेहरू जी ने जब अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने कहा था कि हम जो है किसी की भी कॉपी नहीं करने जा रहे हैं। वो पास्ट में हुए बहुत सारे इवेंट्स को बताते हैं, अमेरिका के रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने रेवोल्यूशन करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक सॉवरन कंट्रीज बनाया। सो वो कहते हैं कि हमें पास्ट से सीखना चाहिए, इनकी गलतियों से हमें इनके सक्सेस जो है उससे सीखना चाहिए और उनकी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम गलतियां अवॉइड ना कर पाएं क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं, अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि गलतियां यहां पर होंगी, बट फिर भी हमें इन सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करना है। सो ये सारी चीज़ें, और वो आगे कहते हैं कि हम सिर्फ जो है कॉपी नहीं करने वाले हैं, हम जो है अपने लोगों के माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनकी जो भी विल है, नीड है, उन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर डिबेट की जाएंगी, डेलिब्रेशन किया जाएगा। हालांकि पास्ट से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे लेकिन ये नहीं होगा कि वो हमारा ब्लूप्रिंट ही बन जाएगा। हम प्रेजेंट में जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है और किस तरह से फ्यूचर में हम आगे बढ़ेंगे, वही सारी चीज़ें जो हैं हम अपने इसमें ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि डिबेट्स तो हो ही रही थी, अब लोगों की जो विल थी उनमें से एक कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लहरी, जो कि असेंबली के ही मेंबर थे, कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लहरी, वो कहते हैं कि यहाँ पर असेंबली में बहुत सारे डेलिब्रेशंस हो रही हैं, बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, हमें जो है सभी को इक्वल राइट्स देने चाहिए। हमें अभी भी पता है कि हाँ, हमारी असेंबली बना दी गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म की गई थी, 1946 में फॉर्म की गई थी। लहरी जी कहते हैं कि हमारी कंट्री फॉर्म कर दी, हमारा जो असेंबली है वो फॉर्म कर दी गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी इन्फ्लुएंस किसका है, ब्रिटिशर्स का ही है। ब्रिटिशर्स जो चाहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, वही हमारी कंट्री में रूल्स और लॉज बना रहे हैं,
अगर हमारी कंट्री में आगे जब थोड़ा सा भी, अगर छोटा सा भी कोई भी केस भी होगा, तो हमें सीधा क्या होगा, ब्रिटिश ब्रिटिश की महारानी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ के प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। तो क्या ये सही होगा? तो लहरी जी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि रेजोल्यूशन में आपने जो बातें कही हैं सही है, मैं उनका वेलकम करता हूँ, लेकिन क्या ये बातें सही में हम इनको अपना रहे हैं, क्या ये सच हो रही है? क्योंकि अभी तक हमारी कंट्री और हमारी असेंबली पर किसका इन्फ्लुएंस है? अभी तक भी ब्रिटिशर्स का ही इन्फ्लुएंस है। तो पहले हमें इस इन्फ्लुएंस से दूर होना होगा, तभी जो है हम आगे अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। ओके, अब नेहरू जी ये एडमिट करते हैं कि वो, हाँ, बहुत सारे उनके जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते हैं। वो ये बात सच है, वो मानते हैं कि ये बात सच है कि अभी तक भी हमारे कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है, और इसी ने ही हमारी असेंबली को बर्थ भी दिया है, हैंड इन इट्स बर्थ। अभी तक भी गवर्नमेंट के हाथों में ही हमारी कंट्री का सब कुछ चल रहा है, मतलब हमारी कंट्री की बागडोर उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे, हम अपने लोगों के विल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आपको याद रखना चाहिए हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ है लोगों की स्ट्रेंथ। इसी स्ट्रेंथ ने पास्ट में हमें जिताया था, मतलब 1919 में, 1937 में और 1946 में जितने भी इलेक्शंस हुए वहाँ पर कांग्रेस की बहुत अच्छे से जीत भी हुई थी। तो नेहरू जी कहते हैं जब हमारी जीत हुई तो कौन हमारे साथ थे? हमारे लोग हमारे साथ थे, वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यही हमारी स्ट्रेंथ है और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। आगे वो कहते हैं कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो पेपर से नहीं बनती है, वो लोगों से बनती है। लोग हमारे साथ हैं, हमारी स्ट्रेंथ हमारे साथ है, तो इन पेपर्स पर चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा जाए वो हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। हम तो वही करेंगे जो हमारी मासेस ऑफ इंडियन पीपल को के नीड है, उनके दिलों में है, उनका जो पैशंस है उसी को फुलफिल करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग टाइप से डिबेट्स हो रही थी। नेहरू जी यही कहते हैं, आगे यही कह रहे हैं कि जितने भी रिफॉर्म किए गए थे वो पास्ट में जितने भी रिफॉर्म किए गए वो भी हमारे लोगों के लिए ही किए गए थे। जैसे कि जिन लोगों ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई या विडो री मैरिज के लिए उन्होंने परमिशन मांगी, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ सोशल जस्टिस कर रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुज़म में रिफॉर्म करने की कोशिश की तो वो क्या कर रहे थे? हमारे रिलीजियस को और ज़्यादा जस्टिस बनाना चाह रहे थे। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में जब सफरिंग्स ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट का मुद्दा ऊपर उठाया था तो भी वो क्या कर रही थी? हमारी कंट्री के लोगों के बारे में ही बात कर रही थी, हमारे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के बारे में ही बात कर रही थी। आगे नेहरू जी कहते हैं हम भी वही करने वाले हैं, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम वही करने वाले हैं। जितने भी ये ऑप्रेस्ड डिप्रेस्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, इन सब के लिए इक्वलिटी होगी, इन सब के राइट्स जो हैं इक्वल ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है डिफाइनिंग द राइट्स। अब किसके राइट्स कैसे होंगे इस पर भी बहुत लंबी बहस असेंबली में हुई थी। आगे हाउ वर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन्स टू बी डिफाइंड, इंडिविजुअल सिटीजन्स के राइट्स किस तरह से डिफाइन किए जाएं, कौन से ओप्रेस ग्रुप हैं, कौन माइनॉरिटीज हैं, एक्चुअल में माइनॉरिटीज कौन हैं, और किस तरह से माइनॉरिटीज़ के राइट को हमें डिफाइन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है असेंबली के फ्लोर पर आ रही थी। अब सारी चीज़ें असेंबली में अलग 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 सोच के लोग हैं तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इनका कलेक्टिवली शेयर्ड आंसर तो आने वाला नहीं था, अलग अलग आंसर्स आ रहे थे और इसी को लेकर बहुत सारी डिबेट्स भी असेंबली में हो रही थी। अब किस तरह से किसको क्या क्या राइट्स दिए जाएं वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स सामने आ रही थी। ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रॉब्लम। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है मुस्लिम लीग के द्वारा भी की गई थी, और मुस्लिम लीग ने जब इस डिमांड को किया तो उन्हें तो यही लग रहा था कि भाई हाँ, भारत में ही हमें एक प्लेस दे दिया जाएगा और वहीं पर सारे के सारे मुस्लिम्स रहेंगे, वहीं पर मुस्लिम्स का इलेक्शन होगा, वहीं पर हम रहेंगे, तो दूसरी सोसाइटी के साथ हम किसी टाइप का रिलेशन नहीं रखेंगे। लेकिन एट लास्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स का रिजल्ट क्या निकला कि हमारी कंट्री जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। अब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिलने के बाद फिर से एक बार ये प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे। वो कौन से लोग थे? एक्चुअली 26 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर जी, जो कि मद्रास से थे, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच जो है असेंबली में दी थी। बहादुर ने कहा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं,
आप उन्हें चाहकर भी वहां से हटा नहीं सकते, उनके एग्जिस्टेंस को इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द नीड वॉज टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटी कुड लिव इन हार्मनी विद अदर्स। वो कहते हैं कि हमें ऐसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करना है जिसमें सभी माइनॉरिटीज़ जो हैं सभी दूसरे लोगों के साथ हार्मनी के साथ रह सके। ओके, सो ऐसा ही हमें अपना प्लेटफॉर्म बनाना है। वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ कौन है, उन्हें भी जो है रिप्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनकी भी आवाज़ों को हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम उनकी आवाज़ को सुने ही ना। वो कहना चाह रहे थे कि दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनके मिनिमाइज़ करना चाहिए। मीन्स जो माइनॉरिटीज़ हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो इन कम्युनिटीज़ के डिफरेंसेस को मिनिमाइज़ करना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब अलग से इलेक्टोरेट्स बन जाएंगे, जब अलग से एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा माइनॉरिटीज़ के लिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम पर उनकी आवाज़ों को सुना जा सकता है, उनके व्यूज़ को लिया जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं, उनके व्यूज़ को समझा जा सकता है। सिर्फ एक यही तरीका है, सिर्फ इलेक्टोरेट्स अलग करके एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू ही हम एंश्योर कर सकते हैं कि मुस्लिम्स की मीनिंगफुल वॉइस को सुना जाए और उनके भी कंट्री में गवर्नमेंट जो है बनाई जाए। आगे वो कहते हैं कि मुस्लिम्स की क्या नीड है, इसको जो है एक नॉन मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है। वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है लेकिन कभी भी एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता है। एक मुस्लिम का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव एक मुस्लिम ही बन सकता है। मीन्स किसी भी कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव उसी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करता है तभी वो अपने लोगों की मुश्किलों को समझ सकता है, और उसका जो है सही रिप्रेजेंटेटिव एक बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। सो ये सारी चीज़ें बहादुर जी असेंबली में रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। उनकी इस डिमांड को बहुत सारे लोगों ने अपोज्ड किया था। बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। असेंबली में चारों तरफ एंगर फैल गया था, डिस्मे फैल गया था, बहुत सारी डिबेट्स इसके ऊपर हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट ऑफर्ड अगेंस्ट किया था। मोस्टली नेशनलिस्ट ये नहीं चाहते थे कि किसी टाइप का कोई भी अलग से इलेक्टोरेट्स बनाया जाए। इस पे आर वी धुलेकर बहादुर जी को कहते हैं कि अलग से इलेक्टोरेट्स बनाकर तुम माइनॉरिटीज़ को ऊपर नहीं उठा रहे हो बल्कि उनको और नीचे खाई में गिरा दोगे, ठीक है। ये आवाज़ें तुम्हारी नहीं है, ये आवाज़ें किसकी हैं, ब्रिटिशर्स की हैं। ब्रिटिशर्स इसकी हेल्प से क्या करना चाहते थे, हम लोगों को फुसलाना चाहते थे, हमारे ऊपर राज करना चाहते थे, लेकिन अब वो चले गए हैं, तुम्हें मिसगाइड करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड तुम कर रहे हो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे नेशनलिस्ट क्या देख रहे थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स अभी भी होगा तो फिर से हमारी कंट्री का एक और बार पार्टीशन हो जाएगा और फिर से वही सिविल वॉर, रियॉर्ट्स और वायलेंस होगा कंट्री के बीच में। आगे नेहरू जी कहते, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पे कहते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ना, ये एक टाइप का पॉइजन बन गया है जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बॉडी में पूरी तरह से फैल गया है। ये बीज जो है किसने, अंग्रेजों ने बोया था। ये शरारत अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि जिस टाइम पर उन्होंने ये शरारत की वो नहीं जानते थे कि भाई हाँ इतनी जल्दी उनका रूल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वो अपने रूल को कंटिन्यू करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड, मुस्लिम लीग के लोगों को कहा था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को रखें। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी यही कहते हैं कि अब वो यहाँ से चले गए हैं इसीलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि क्या तुम फिर से हमारी कंट्री का पार्टीशन करना चाहते हो, क्या इस लैंड पर कभी पीस एस्टेब्लिश नहीं होगी। अगर तुम यहाँ पर पीस को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो अभी अभी इसी टाइम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इस डिमांड के बारे में तुम भूल जाओ। द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस चीफ बिहाइंड। ये टेल द्वारा ही कहा गया था, असेंबली में उनकी एक स्पीच यहाँ पर दी हुई है। वो कहते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है इसके बारे में तो हमें बातें ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, इवन बहुत सालों से सुन रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी हम देख चुके हैं कि हमारा अब एक सेपरेट नेशन है,
इंडिया जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, पाकिस्तान एंड इंडिया। आगे वो बहादुर जी से कहते हैं कि क्या आप मुझे कोई भी एक ऐसी फ्री कंट्री दिखा सकते हैं जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ और मैं सबको भी मनाऊँगा असेंबली में कि भाई हाँ हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे एक भी एक फ्री कंट्री ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं तो आप इस बात को भूल जाएँ और अभी इससे पीछे भी हट जाएँ। ये अकेले मेरे गुडविल की बात नहीं है, ये हमारी कंट्री के गुडविल की बात है कि अगर हम सभी इकट्ठा मिलकर रहेंगे तो हमारी कंट्री आगे की तरफ रन करेगी। अब हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए और हम एक दिन जरूर यूनाइटेड हो जाएंगे। ये जो एलिमेंट है, ये जो बीज है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बोया गया था, ये शरारत करके वो यही चाहते थे कि हाँ अपने रूल को बहुत लंबे तक खींचें, लेकिन जब इन्होंने मुस्लिम लीग के सामने ये बात रखी तो वो ये नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर इजी करना चाहते थे, लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं, बट अपनी लिगेसी को अभी भी यहीं पर छोड़ गए हैं, इस पॉइजन को अभी भी यही छोड़ गए हैं। बट अब हमें जो है इस पॉइजन को अपने अंदर नहीं रखना है, हमें इस चीज़ से जल्दी बाहर रखना है, बाहर निकाल देना है। ओके, इसी को काउंटर करते हुए गोविंद बल्लभ पंत जी ने भी कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो सिर्फ हमारे नेशन के लिए ही हार्मफुल नहीं है बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी हार्मफुल है। अगर माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन जाएगी तो कभी हम अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना सकेंगे, और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हमारी कंट्री के दूसरे सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन लोगों से बिल्कुल एकदम से अलग हो जाएंगे। हालांकि वो एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन नई शुरुआत किस रूप में करेंगे, एक क्रिपल बनकर, एक अपंग बनकर करेंगे, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें नहीं होंगी, हमें जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जब हम अलग हो जाते हैं तो हम उनके बारे में बातें नहीं करते हैं। आगे वो कहते हैं कि क्या अब हम पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी वे में बनाए। तो अगर यहाँ पर भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनेगा तो फिर से हमारी कंट्री का एक बार फिर से सेपरेशन होगा, और इस सेपरेशन के बाद भी हम उन माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स को कभी नहीं समझेंगे। हम माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम को कब समझ सकते हैं, जब हम इकट्ठे रहेंगे और उनके बारे में बातें करेंगे, डेलिब्रेशंस यहाँ पर होंगे, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को एम्फेसाइज भी करेंगे, उनकी जो भी एस्पायरेशंस हैं उनको समझेंगे और फिर जो है इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। आगे पंत जी कहते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है ये एक सुसाइडल डिमांड है, मीन्स इससे अच्छा है कि हम सुसाइड करें, क्योंकि इसके बाद माइनॉरिटीज़ परमानेंटली यहाँ से आइसोलेट हो जाएंगे और वो जो है गवर्नमेंट में कभी भी इफेक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये स्पीच जो है पंत जी की स्पीच दी हुई है, ये उन्होंने 27 अगस्त 1947 को ही दी थी, जब बहादुर जी ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को रखा था। उन्होंने कहा, आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज़। वो कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए क्या होंगे, सुसाइडल होंगे, उसके बाद वो क्रिपल हो जाएंगे, कभी भी हमसे मिल नहीं पाएंगे, कभी हम उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो हमारी सोसाइटी जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कभी भी नहीं बन पाएगी। सो ये सारे डिबेट्स जो है असेंबली में हो रही थी और इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के पीछे कंसर्न एक ही था कि हमारा जो नेशन है वो एक यूनिफाइड नेशन होना चाहिए, हमें अपना जो है पॉलिटिकल सिस्टम एक यूनिटी के साथ बनाना चाहिए और हमें जो है अपना एक यूनाइटेड नेशन को फॉर्म करना चाहिए। ओके, आगे वो कहते हैं कि हमें कभी भी कम्युनिटी के रूप में नहीं सोचना चाहिए। पास्ट से बहुत सालों से क्या होता जा रहा है, हम कम्युनिटी के रूप में सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई हाँ हमारी कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, कम्युनिटी के सभी लोगों के साथ बुरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जब तक हम कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकते हैं। हमें एज एन इंडिविजुअल बनकर सोचना चाहिए कि एक इंडिविजुअल सिटीज़न बनकर मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं और मेरे क्या राइट्स हैं, मुझे क्या क्या राइट्स नेशन की तरफ से मिले हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें नेशन के लिए करनी है। हमारी जो ये सोसाइटी है ये एक पैरामिड की तरह होती है और उस पैरामिड के ऊपर सबसे ऊपर जो है एक ही अकेला सिटीज़न होता है, उसके बाद उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं और मिलकर एक पैरामिड बनाती हैं। सो सबसे पहले जो है हमें पैरामिड में एक सिटीज़न के बारे में सोचना चाहिए और जब तक हम सिटीज़न के बारे में नहीं सोचेंगे हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन और स्ट्रॉन्ग स्टेट को नहीं फॉर्म कर पाएंगे, उसको फॉर्म करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सभी मुस्लिम्स भी जो है इस डिमांड के साथ नहीं थे, मतलब कुछ ऐसे मुस्लिम भी थे जो इस डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लाइक
बेगम अयाज रसूल, उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है हमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कर देगी। अब हम जो है अगर हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे तो हम मेजॉरिटी से बिल्कुल एकदम से अलग हो जाएंगे, मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएगी और कभी भी हम मिंगल नहीं हो पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग नेशन को कभी भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो बाय 1949 तक सभी मुस्लिम मेंबर्स ने, असेंबली के सभी मुस्लिम मेंबर्स इस चीज़ पे अग्री हो गए थे कि किसी टाइप के कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं बनाए जाएंगे, इस डिमांड को खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने यही रखा कि हम अपना एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाएंगे जिसमें सभी लोगों की आवाज़ों को सुना जाएगा। नेक्स्ट है, वी नीड मोर मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन नेहरू जी ने दिया था उस रेजोल्यूशन से ज़्यादा की हमें ज़रूरत है। ये वर्ड्स किसके थे? एन जी रंगा के वर्ड्स थे। ये एक सोशलिस्ट लीडर थे और इन्होंने पीजेंट्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। वो कहते हैं कि आपने रेजोल्यूशन तो दे दिया है, रेजोल्यूशन में आपने ये भी कहा है कि भाई हाँ सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, लीगल राइट्स रख दिए जाएंगे, लेकिन इसकी एक लिमिट के बारे में भी वो पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लीगल राइट्स लोगों को दिए गए हैं, ये लीगल राइट्स तब तक मीनिंगलेस हैं जब तक कि लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं जीवित रहने के, एम्प्लॉयमेंट के, उनके पास राइट्स हैं कि वो कहीं पर भी अपनी मीटिंग्स को हेल्ड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एसोसिएशंस कर सकते हैं और उनके पास सिविल लाइबर्टीज़ हैं। जब तक ये लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक ये जो राइट्स, लीगल राइट्स दिए हुए हैं इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो आगे रंगा जी कहते हैं कि हमें जो है इफ़ेक्टिव वे से इनको एनविश्ड करने की ज़रूरत है ताकि लोग इसके बारे में समझें कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और वो आगे बढ़ें। दे नीड प्रॉप्स, दे नीड अ लैडर, दे नीड प्रोटेक्शन। रंगा जी कहते हैं कि लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें प्रॉप्स मतलब सहारे की ज़रूरत है, उन्हें लैडर की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। द रियल माइनॉरिटीज़ आर द मासेस ऑफ द कंट्री। रंगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम करते हुए, नेहरू जी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि सर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि रियल में माइनॉरिटीज़ कौन है। क्या वो हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं, या फिर वो मुस्लिम्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं? एक्चुअल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी माइनॉरिटीज़ नहीं है। रियल माइनॉरिटीज़ हमारी कंट्री की जनता है जिसको बहुत सालों से डिप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। वो कहते हैं कि क्या कभी आप ट्राइबल एरियाज़ की तरफ गए हैं? अब आपने एक लीगल रूल तो बना दिया है कि भाई हाँ किसी से किसी की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, लेकिन कभी ट्राइबल एरियाज़ की तरफ जाकर देखिए, वहाँ पर मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स जो है एरियाज़ के अंदर जाते हैं और ट्राइबल्स को उनकी ज़मीनों को छोड़ देने के लिए फोर्स करते हैं। ट्राइबल्स अभी भी जो है गहरे जंगलों में जाकर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन्हें एक नई लैंड ढूंढनी पड़ती है, एक ऐसी लैंड जिससे वो पूरी तरह से अनजान हो जाते हैं। ओके, ऐसा ही काम विलेजेस में भी हो रहा है, जो विलेजेस में पुअर पीपल हैं। मनी लैंडर्स क्या करते हैं, विलेजेस में जाते हैं, इन पुअर पीपल की पॉकेट्स में कुछ पैसे डालते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं और धीरे धीरे करके इन पुअर पीपल को वो अपना स्लेव बना लेते हैं। और ये स्लेव, ये जो स्लेवरी के सिस्टम है वो हेरिडिटरी हो जाता है, मतलब कि उनको जो है उनके डिसेंट भी आगे काम करते रहते हैं एज अ स्लेव। सो वो कहते हैं कि रियल माइनॉरिटीज़ तो यही लोग हैं। रियल माइनॉरिटीज़ कोई ये नहीं है कि हम नंबर में काउंट करें कि नंबर में जो कम है वही माइनॉरिटीज़ हैं। एक्चुअल में रियल माइनॉरिटीज़ वो हैं जिन्हें बहुत लंबे टाइम से सप्रेस किया जा रहा है। आगे रंगा कहते हैं कि हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या हम उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और क्या उन लोगों में से हमारे बीच में कोई है? जैसा कि गांधी ने BHU के ओपनिंग के टाइम पर कहा था कि सभी जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े एलाइट्स ही यहाँ पर क्यों हैं, क्यों कोई गरीब जमींदार, क्योंकि क्यों कोई गरीब पीजेंट्स और वर्कर्स यहाँ पर नहीं है। सेम रंगा ने भी कहा कि हाँ हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो बने हुए हैं लेकिन उनमें से कोई भी एक या नहीं है। तो क्या हम उनकी सही फीलिंग्स को समझ पाएंगे? मुझे लगता है कि असेंबली में उन लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उन लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनकी आवाज़ों को सुना जाना चाहिए, उनके वॉइस, उनके व्यूज़ को हमें जानना चाहिए। हाँ ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये टाइम लेगा, लेकिन मीनवाइल हमें उनके ट्रस्टीज़ बनकर, उनके चैम्पियन बनकर यहाँ पर उनके लिए बेस्ट करने का ट्राई करना चाहिए। ओके, एक और ग्रुप को रंगा ने मेंशन किया था, वो था ट्राइबल ग्रुप। ट्राइबल ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ असेंबली में थे
और वो थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह एक गिफ्टेड ओरेटर थे, मतलब बहुत अच्छे ओरेटर थे, अपनी बातों को सबको बहुत अच्छे से समझाते थे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम करते हुए जयपाल सिंह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक आदिवासी होने के नाते आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि मैं जो है अपने रेजोल्यूशन की जो लीगल इंट्रिकेट्स हैं उनको समझ पाऊँ, लेकिन मेरी कॉमन सेंस यही कहती है कि जब हम इकट्ठे होकर फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, तो क्या हम इसको इंट्रिकेट्स को नहीं समझ सकते। मीन्स यहाँ पर जयपाल सिंह कहना चाह रहे थे कि जब हम फ्रीडम में फ्रीडम फाइट फाइटिंग के लिए जो फ्रीडम मोमेंट हो रहा था उसके फाइट के लिए हम आपके साथ थे, तो अब हम आपके साथ क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों हम यहाँ पर नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोगों को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन्हें नेगलेक्ट किया जा रहा है पिछले 6000 सालों से। अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। हालांकि इसके लिए हमने रेबल भी किए हैं, लेकिन हमारे रेबल्स को भी स्प्रेश कर दिया गया है। वो कहते हैं कि पंडित जी आपने जो रेजोल्यूशन दिया है मैं उसका वेलकम करता हूँ, और अगर ऐसा ही होगा कि यहाँ पर हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे तो हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और मैं इस चैप्टर का वेलकम करता हूँ क्योंकि इसी चैप्टर के थ्रू जो है हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन को फॉर्म कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर हमारी जो कास्ट है उनको भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको नेगलेक्ट ना किया जाए। आगे सिंह ने ये जो सारी कंडीशंस ट्राइबल्स के बारे में बताई वो बहुत ही एलोक्वेंटली वे में बताई, बहुत अच्छे तरीके से बताई। उन्होंने कहा कि हम नंबर से माइनॉरिटीज नहीं हैं। हम क्यों माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास किसी टाइप का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमें उन प्लेसेस की ज़रूरत है जहाँ पर हम बहुत पहले से रह रहे हैं, हमारे जो घर छीने जा रहे हैं हमें वो घर अपने वापस चाहिए, क्योंकि लोग हमें क्या समझते हैं, कैसा परसेप्शन है लोगों का हमारे प्रति कि हम प्रिमिटिव यानी कि आदि मानव हैं और बैकवर्ड हैं, और रेस्ट ऑफ द सोसाइटी हमारे साथ कभी भी मिंगल होने के लिए रेडी नहीं होती है। आगे सिंह कहते हैं कि हम जो हैं, आर पॉइंट इज दैट यू हैव टू मिक्स विद अस, वी आर विलिंग टू मिक्स विद यू। हमारा पॉइंट यही है कि आपको हमारे साथ मिक्स होना चाहिए, हम आपके साथ मिक्स होने के लिए रेडी हैं, हम हमारी विल है कि हम जो है आपके साथ मिक्स हों। यहाँ पर सिंह किसी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे थे, बट वो चाहते थे कि असेंबली में उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, उनकी सीट्स रिजर्व्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनके सीट्स रिजर्व्स होनी चाहिए, किसी न किसी तरीके से उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, और यही वो तरीका है। अगर असेंबली में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सोसाइटी में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तभी लोग जो है उनकी आवाज़ को सुनेंगे और तभी लोग उनके पास आ सकेंगे। ओके, वी आर स्प्रेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो ये डिप्रेस्ड क्लास हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर भी एक डिप्रेस्ड क्लास ओप्रेस्ड कास्ट से ही बिलोंग करते थे, वो कहते हैं कि हाउ वर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास टू बी डिफाइंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है डिप्रेस्ड क्लास के राइट को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए रखी जाएंगी, किस तरह के राइट्स उनको दिए जाएंगे। एक्चुअली जब हमारा नेशनल मूवमेंट हो रहा था तो उस टाइम पर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी, लेकिन गांधी जी ने उनको अपील की कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड ना करें। उन्होंने आर्ग्यू किया ये कहकर कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन जाएंगे तो तुम परमानेंटली जो है सोसाइटी से सेग्रीगेट हो जाओगे, अलग हो जाओगे, इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड मत रखो। जब अम्बेडकर ने मुस्लिम्स और हिंदूज का आपस में ब्लडी रियॉट्स देखे तो उसके बाद उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को बंद कर दिया था। ठीक है, सम मेंबर्स ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट एम्फेसाइज दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबल। कुछ मेंबर्स जो डिप्रेस्ड कास्ट से थे उन्होंने किस प्रॉब्लम्स को एम्फेसाइज किया, अनटचेबल। वो कहते हैं कि हमें अनटचेबल रखा जा रहा है, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं ऐसे सोशल नॉर्म्स इन्होंने बता दिए हैं, ऐसी मॉरल वैल्यूज इन्होंने बना दी हैं कि जितने भी ऑप्रेस्ड कास्ट के, सप्रेस्ड कास्ट के, डिप्रेस्ड कास्ट के जितने भी लोग हैं वो अनटचेबल हो गए हैं। इन्होंने हमारे सर्विसेज ली हैं, हमारे लेबर को यूज़ किया है, लेकिन हमसे सोशल डिस्टेंस बना कर रखा है, हमें जो है अपने साथ कभी मिंगल नहीं होने देते, हमें अपने टेंपल्स में एंट्री नहीं करने देते, हम बहुत सालों से सफरिंग कर रहे हैं लेकिन अब आगे सफ़र करने के लिए रेडी नहीं है। जे नगप्पा ने ये सारे वर्ड्स कहे जो कि मद्रास से एक रिप्रेजेंटेटिव थे। वो कहते हैं कि अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रियलाइजेशन हो गया है और हमें पता चल गया है कि किस तरह से हमें अपने अधिकार लेने हैं। नगप्पा कहते हैं कि हम न्यूमेरिकली जो है माइनॉरिटी नहीं है,
टोटल पॉपुलेशन का 20 से 25% हम ही लोग हैं, लेकिन हमारे सर्विस के, हमारे जो सफरिंग्स हैं उसके पीछे रीज़न क्या है? अनटचेबिलिटी। लोगों ने हमें कभी इन सिग्निफिकेंस दिया ही नहीं, हमें इन सिग्निफिकेंस समझते हैं। हमारे पास किसी टाइप की कोई एजुकेशन नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई शेयर नहीं है। सो इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो हमें ये एक्सप्रेशन किया जा रहा है इसको बंद कर दिया जाए। आगे के जे खंडेलकर जी कहते हैं कि हमें जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एक्सप्रेस किया जा रहा है, हमें इतना दूर कर दिया गया है, इस तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि अब हमारी बॉडी और माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, और हम इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि अब हम आगे बढ़ने की भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब इतने भी एबल नहीं रहे हैं कि भाई हम आगे बढ़ जाएं, और यही हमारी पोजीशन हो गई है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके बारे में, जो एससी एसटी ये सारे एक्सप्रेस्ड और ओप्रेस्ड कास्ट थी, इन सब ने अपने प्रॉब्लम्स असेंबली में रखी। इन्हीं प्रॉब्लम्स के आधार पर जो है, हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को तो नहीं माना गया था, लेकिन सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट्स रख दिए गए थे। जितने भी एससी एसटीज हैं इनके लिए सभी सीट्स ओपन कर दी गई थी, टेंपल्स ओपन, हिंदू टेंपल्स इनके लिए ओपन कर दिए गए थे, लेजिस्लेचर में, गवर्नमेंट जॉब में इनकी रिजर्वेशन रख दी गई थी, और इनके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसके बाद, ये सारे लॉज बनने के बाद भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यही कहा कि सिर्फ लॉज बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें जो है सोसाइटी के एटीट्यूड्स को चेंज करना होगा। जब तक सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक हमारे कंट्री को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना सकते हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक सॉवरन कंट्री बनाना है तो हमें अपने एटीट्यूड्स को भी चेंज करना होगा। ओके बेटा, आज हम यहीं तक करने वाले हैं, आपको इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।